झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने सराफा कारोबारी को बेवकूफ बनाकर ठगी करने के आरोपी को उसकी महिला साथी के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के एएसआई राजपाल ने बताया कि झुंझुनू शहर के रोड नंबर 2 और 3 के बीच माननगर निवासी नटवर सोनी की ज्वेलरी की दुकान है, जिस पर जयपुर निवासी शशिकांत शर्मा 20 अक्टूबर को आया और उसने कहा कि उसके साले की शादी है जिसके लिए उसे जेवरात चाहिए। वह 21 अक्टूबर को फिर अपनी पत्नी के साथ आएगा और जेवरात लेगा। इस पर नटवर सोनी ने हामी भर दी। आरोपी शशिकांत कल फिर नटवर की दुकान पर आया तो उसने कहा कि उसकी पत्नी की ड्यूटी बीडी के अस्पताल में है, डेंगू की बीमारी के चलते उसे छुट्टी नहीं मिल रही, जिसके बाद शशिकांत ने ही करीब 2.5 लाख रुपए की जेवरात लिए और नटवर के भाई पंकज को उसका भुगतान दिलाने के लिए अपने साथ बीडी के अस्पताल ले आया। यहाँ पर पत्नी के पास जाने की बात कहकर शशिकांत गायब हो गया, उसके बाद वापस नहीं लौटा। सराफा कारोबारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और नाकाबंदी करवाई, जिसमें सीसीटीवी कैमरे में सामने आया कि आरोपी शशिकांत एक महिला के साथ सीकर की ओर गया है। पुलिस ने जिस गाड़ी से वे झुंझुनू से रवाना हुए उसका पीछा किया और उसके चालक को फोन पर पूरी सूचना दी। चालक दोनों को जब वापस लेकर झुंझुनू आया तो उसने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कुछ गहने और नगद रुपए मिले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने जयपुर में 1,37,000 रुपए के जेवरात बेच दिए थे, जिसके बदले उन्हें 53,000 रुपए मिले। बाकी पैसे बाद में मिलने हैं। आरोपियों के पास से कोतवाली पुलिस ने करीब 49,000 रुपए तथा ठगे गए जेवर जब्त कर लिए हैं। वहीं पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में जयपुर के शशिकांत शर्मा के साथ घराना खुर्द की संतोष देवी को गिरफ्तार किया है। संतोष देवी ने पुलिस को बताया है कि शशिकांत उसके बेटे का दोस्त है। वहीं सराफा कारोबारी ने बताया कि शशिकांत के पिताजी रोडवेज झुंझुनू में नौकरी करते थे, तो काफी समय में वह उनके पड़ोस में रहा था, इसलिए उनकी जान पहचान थी। यह लड़का शशिकांत शर्मा मेरे पास 20 तारीख को शाम को आया था, और चूंकि ये हमारे पड़ोस में ही बहुत पुराने टाइम से 10-15 साल तक इनका पूरा परिवार रहा हुआ था तो परिचित था, और ये मेरे पास आकर के बोला कि मुझे मेरे साले की शादी के अंदर जेवर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे, तो बोला कल सुबह मैं अपनी बीवी को लेकर के आऊँगा और सामान ले जाऊँगा। मैंने कहा ले जाना। तो ये दूसरे दिन 21 तारीख को सुबह 11, 11:30 बजे के लगभग आया, और इसने दुकान में अपनी बीवी के साथ नहीं आया था, बोला कि मेरी बीवी की जो ड्यूटी है वो बीडी के हॉस्पिटल में लगी हुई है और वो वहीं पर है। तो सारा सामान इसी ने फाइनल किया, और फाइनल करके बोला कि इसका पेमेंट जो है वो बीवी हॉस्पिटल से देगी। तो इसने बोला कि वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करना है तो सामान वहीं लेके चले जाते हैं। तो मैंने इसको बोला कि भाई आप अपनी बीवी को यहाँ लेकर के आइए। तो इसने बोला कि डेंगू का जो प्रभाव चल रहा है अभी हॉस्पिटलों में, तो इस कारण से वाइफ को छुट्टी नहीं दे रहे हैं वहाँ। तो इसने बोला कि चूँकि परिचित था, तो मैंने इसने बोला कि वहाँ पर आप अपने छोटे भाई को भेज दीजिए, मैं इसको वहाँ पेमेंट दे दूँगा। तो मैंने अपने छोटे भाई को सामान दे करके इसके साथ भेज दिया। वहाँ पर इसने क्या करा कि पहले तो इसको आधा घंटा इधर उधर घुमाया कि वो इधर उधर है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जैसे ही फ़ोन उठाती है अपन उससे मिल लेते हैं। लेकिन बाद में पंकज से ये बोला छोटे वाले भाई से कि मेरा आप वो सामान दो, मैं अंदर जा कर के उससे पेमेंट लेके आता हूँ, नहीं तो और लेट हो जाएगी। तो पंकज ने इस पर विश्वास करके इसको सामान दे दिया, और ये अंदर जा कर के सामान पैसे लेने की बात करके अंदर गया। उसके बाद ये वापस बाहर नहीं निकला। तो हम पंकज ने अंदर जा कर के देखा तो वहाँ कहीं मिला नहीं, 15-20 मिनट हो गए थे। फिर पंकज को टेंशन हुई तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वो मिल नहीं रहा है। फिर मैंने तुरंत प्रभाव से और थाना कोतवाली झुंझुनू के अंदर आकर के इसकी सूचना दी, रिपोर्ट दर्ज कराई, और पुलिस वालों ने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से तफ्तीश करके और उसको उस कार्रवाई को स्टार्ट कर दिया। दोनों को रात को पुलिस ने नाकाबंदी करवाई और उनको रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। कल श्री नटवर सोनी निवासी माननगर ने थाने पर रिपोर्ट पेश की कि मेरी रोड नंबर 2 व 3 के मध्य तिरुपति ज्वेलर्स की दुकान है, वहाँ पर दिनांक 20/10/21 को शशिकांत शर्मा आया और उसने बताया कि मेरे साले की शादी में ज्वेलरी का सामान लेना है जो आपसे लेंगे। सुबह मेरी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ, दिनांक 21 को लगभग 11 बजे आया। वह कहा कि दो चैन, दो
जेंट्स अंगूठी, एक ये टॉपस और एक ये क्या बोलते हैं इसको पेंडल और दो जोड़ी पाजेब दिखाओ। जिस उसको दिखाया तो उसने कहा कि मेरी पत्नी बीडी के अस्पताल में नौकरी करती है, मैं ये सामान उनको दिखाना चाहता हूँ। तो नटवर सोनी ने कहा कि आपकी पत्नी को यहीं लेके आओ। तो उसने कहा कि वो जो डेंगू चल रहा है उसमें उसकी ड्यूटी है, वो आ नहीं सकती, आप अपने आदमी को साथ भेज दो, मैं वहीं दिखा के और आपका पेमेंट दिला दूँगा। जिस पर उनका छोटा भाई पंकज सोनी वो साथ गया। अस्पताल पहुंचकर इधर उधर घुमाता रहा, शशिकांत सोनी इधर उधर घुमाता रहा, फिर कहा कि यार वो बिजी है, मैं उनको अंदर दिखा के आता हूँ। वो सामान लेके और वहाँ से फरार हो गया। काफ़ी देर तक नहीं आया तो कमरे में तलाश किया तो कमरे में नहीं मिला, जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज होने पर तफ्तीश मेरे नाम से हुई, मैंने फुटेज देखे, फुटेज में गाड़ी के नंबर 8J18UC 6500 आने पर गाड़ी के ड्राइवर का मालूम किया, उसके नंबर कलेक्ट किए, नंबर कलेक्ट करने पर उससे बात की और उसको बताया कि भाई ये आपके साथ जो आदमी है वो ठगी करके गए हैं, आप कैसे भी किसी थाने में इनको पकड़ा दो या वापस लेके आओ वरना आप फंसोगी। जिस पर वो उनको वापस लेके आए, नाकाबंदी के वापस रवाना होने की सूचना दी, सूचना पर नाकाबंदी की गई, नाकाबंदी के दौरान रेलवे स्टेशन उनको पकड़े, तफ्तीश की गई तो जुर्म करना स्वीकार किया, जिस पर संतोष देवी और उसको गिरफ्तार किया गया।